पापा मैं प्यार करता हूँ इससे। क्या तुम्हें मुसलमानी मिली प्यार करने के लिए? बदतमीज, चल भाग जाए यहाँ से, निकल यहाँ से, अरे ले जाए इस मुसलमानी को भी पाकिस्तान, अरे इनका जैसा बनता आज तक मार दी जाए। हे गाइस नमस्ते, सो मैं फिर से लेके आई हूँ आप सबके डिमांड पे और आप सबका फेवरेट फेक मैरिज प्रैंक। और आज का प्रैंक बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आप सबके स्पेशल रिक्वेस्टेड इंसान हमारे साथ है, आप सबके फेवरेट झूतरू भैया। अब क्या चाहिए तुम्हें? हाँ देखो, आपने हम दोनों को मिला लिया था, हमारी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो गई थी। हाँ जी, फिर तो अब मेरे को उससे शादी करनी है। तो क्या मैं फेरे भी उससे करवाओगे? नहीं, आप नहीं, लेकिन क्या है कि मैं पंडित हूँ। अच्छा, और वो मुसलमान है। निशा मुस्लिम है? हाँ। अच्छा, मेरा नाम है निसाद अंजुम फातिमा। अच्छा अच्छा, तो मेरे घर वाले तो मानेंगे नहीं। तो बहुत डिफिकल्ट है यार, हिंदू मुस्लिम। अरे इतने बड़े कलेश सॉल्व कर देते हो आप। अरे यार, बट फिर भी ये तो बहुत ही डिफिकल्ट है हिंदू मुस्लिम मैरिज, कितना भी हम एडवांस हो गए हो, बट कोशिश तो कर सकते हो, मैं भी तो आपके लिए आ जाता हूँ। अरे चलो ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ। तो पता नहीं आज क्या होगा। आज कुछ नहीं होगा, देखो पापा अभी आने, हाँ हाँ, तो आधे घंटे में आ जाएंगे। आने वाले हैं, यहीं पे आएंगे। तो एक काम करते हैं, हम फटाफट एक घंटे में आते हैं, तो हम फटाफट यहाँ पे कैमरा वैमरा सेटिंग सब कर लेते हैं। और पहले आप जाओ या मैं जाऊँ? पहले आप जाओगे, मैं क्यों जाऊँगा पहले? अच्छा हाँ, तो मुझे पिटवाओ कटवाओ हर जगह। चलो पहले मैं जाती हूँ और थोड़ा सा पापा को इम्प्रेस करने की कोशिश करती हूँ। और चलिए सीधा शूट लोकेशन पे चलते हैं। और दो कैमरा मैंने लगा दिए, एक सामने लगा दूंगी एक उधर, और जैसे पापा आएंगे तो कैप्चर करते हैं, ठीक है? तो चलिए शूट लोकेशन पे चलते हैं। A few moments later. अंकल जी नमस्ते। नमस्ते बेटे, रोना रहो, सदा सुखी रहो। अंकल जी भूपी है? हाँ बेटा, यहीं पे बाजार गया हुआ है। बाजार गया हुआ है? तो मैं दोबारा आ जाती हूँ अगर टाइम लगे तो। बैठो, 5 मिनट में अभी आने वाला, बस 5 मिनट बैठ जाओ बेटे, यहीं पे। पास में गया? हाँ पास में गया बेटा, बैठो। ठीक है, थैंक यू अंकल। तो बेटे कहाँ से आया, मैंने तो आपको पहचाना नहीं। अंकल जी मैं नोएडा से आई हूँ, मैं उसके स्कूल की दोस्त हूँ। अच्छा अच्छा बेटा, तो बेटा क्या करते हो? अंकल जी मैं जॉब करती हूँ यहीं, अभी ट्रांसफर हुआ है नोएडा में, तो अभी आई हूँ मैं यहाँ पे। तो मैंने बेटा कभी आपको पहली बार पहला देखा नहीं था यहाँ पे। अंकल जी मैं भी आज पहली बार ही आई हूँ, वो कभी घर नहीं लेके आया, पर चलो मेरा अच्छा सौभाग्य आज मुझे आपसे मिलने का मौका मिला। दोस्त तो बहुत आते हैं निकम में, हमने देखा ऐसे आते हैं निकम में से दोस्त आते हैं उसके आवारा। अरे बेटा कोई मेहमान आए, मिलना चाय पानी कुछ लेगा, ठंडा वंडा लेकर आओ, पानी छोटू, अरे पानी वगैरह लेकर आओ छोटू। रहने वाले जैसे कहाँ के आओ बेटा? अंकल जी मैं मेरठ की हूँ। मेरठ के रहने वाले? जी। बेटा पानी लियो आप। ठीक है। पानी लियो, बिस्कुट लियो बेटा। नहीं अंकल जी मैं। अरे नहीं नहीं बेटा, घर की बात है, शर्मा मत ना, ऐसी बात नहीं है, शर्मा शर्मा मत, बेटा घर की बात है, लियो आप। अंकल पहले आप लीजिए ना, मैं लेती हूँ, मैं थोड़ा सा लूंगी। आप हमारे मेहमान हो, आप पहले आप लीजिए फिर हम लेंगे, ले आओ। अच्छा ठीक है मैं ले रही हूँ, पहले पहले एक मिनट आप एक ले लीजिए, फिर मैं ले रही हूँ, ठीक है? मैं थोड़ा सा ही खाती हूँ। ठीक, ले लो। थैंक यू। अरे अंकल जी ज्यादा ना खाइए, बहुत मीठा होता है इसमें, आपको तो डायबिटीज है ना बेटा? आपको कैसे मालूम? वो भूपी जी ने बताया था मुझे। आपको बताया? हाँ जी बेटा, हमसे हमारा तो कभी ख्याल नहीं करता, आपको कैसे बता दिया उसने? नहीं नहीं करता है, वो भी आपका ख्याल करता है, उसी ने बताया था। इतना निकम्मा आदमी, ऐसे उसके निकम्मे दोस्त है, ऐसे वो खुद निकम्मा है, आप तो बड़े संस्कारी बेटा बच्चे हो। अच्छा थैंक यू अंकल, बट वो ही है, उसी ने बताया था आपको डायबिटीज है, तो थोड़ा शुगर ज्यादा खाएंगे ना तो सेहत खराब हो जाएगी। उसको भी थोड़ा समझाओ, थोड़ा ध्यान उसे ज्ञान दो उसको, तो उसे समझ में नहीं आता कुछ बात समझाते हैं तो। जी अंकल। अरे भूपी आप आ गए? हाय निशा। हाय, कब आए? बस अभी आई थी। अच्छा, तो पापा जी ज्यादा देर हो गई? नहीं नहीं, पहले आ गए थे, फिर पापा जी के साथ बैठी हूँ तब से। अच्छा, हमें मार्केट गया। सब बेटा आ गया? हाँ जी आ गया, आवारा गर्दी करके काम से गया था पापा मार्केट। अरे आवारा गर्दी ना, वो निकम्मे के साथ घूमने गया होगा, वो मार्केट कहाँ गया होगा बेटा? काम से बता के तो गया था पापा को। नहीं बेटा हमें जानते हैं तुम, निकम्मे आदमी के साथ ऐसी घूमते आवारा गर्दी होगा साथ में, हम ऐसे कहाँ हो जो बैठ से शांति से रहते हो। तो बेटा आप बातचीत करो दोनों बच्चे लोग, मैं थोड़ा काम सा, मैं थोड़ा भी आ रहा हूँ, थोड़ा काम करो, बैठो आप बैठो, आपसे मिलने लाया था मैं तो। कोई बात नहीं बेटे, तुम बैठो बातचीत करो, बच्चे इनका काम है, मेरा थोड़ी मर्जी रखो, तुम बात करो, मैं अभी आ रहा हूँ, कुछ काम है मुझे बेटा। पापा आपसे बात करनी थी। क्या बात करनी? वो पापा ये कैसे लगे आपको? ठीक है, संस्कारी अच्छा बच्चा है, उमदार है,
बेटा इसके लिए भी कोई ऐसी संस्कार लड़की ढूंढ दो, नालायक निकम्मे के लिए आवारा गर्दी इधर उधर डोलता, जो शादी ये भी सुधर जाए। तो पापा इससे कर लेता हूँ। तुम्हें शर्म नहीं आती शादीशुदा लड़की शादी की बात कर रहे हो? बेटा इसका बुरा मत मानना, ये तो ऐसी नागल निकम्मा, इसकी बात का थोड़ा बुरा मत मानना बेटा, ये तो ऐसी ही है। ठीक है बेटा? पापा जी ये सच कह रहे हैं। पापा मैंने शादी कर ली इससे। कब कर ली, कैसे कर ली, क्यों कर ली शादी, कैसी बात है? तुमने कभी हमें बचाना शुरू जरूरी नहीं समझा कि हम तुम्हारे बाप नहीं है? अपने बाप को शर्म तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझा? पापा मैं आपको बताता लेकिन आप मानते नहीं। क्यों नहीं मानता, जब संस्कारी अच्छा बच्चा है क्यों नहीं मानता? क्योंकि पापा वो क्या है, मैं नहीं चाहता था लेकिन बोलो। लेकिन वो लेकिन लेकिन कर रहे हैं, फिर बोलो सही, बोलो क्या बात है, बोलो। पापा वो मुसलमानी है। क्या मुसलमानी मिली तुम्हें शादी करने के लिए? पापा जी ये सच कह रहे हैं। मुझसे पापा जी बस कहने की जरूरत है, मैं कोई तुम्हारा पापा पापा नहीं हूँ, मुझसे बोलने की जरूरत नहीं है। पापा मैं प्यार करता हूँ इससे। क्या तुम्हें मुसलमानी मिली प्यार करने के लिए? बदतमीज। पापा आप तो कह रहे थे कि संस्कारी है, संस्कार क्या मुसलमानी है, क्या संस्कार, इसमें कोई गुण नहीं है संस्कारी मुसलमानी है। तुम्हें शर्म नहीं आई, जने धारी पंडित तुम मुसलमान की लड़की लेके आयो, बेलिहाज शर्म नहीं आया तुमने समाज में नाक दिखाने मुंह छोड़ा नहीं, नाक कटवा दिया हमारे तेने, बेशरम। तुम्हें शर्म नहीं आती ये मुसलमानी लड़की मिली तुम्हें, लंगड़ी लूली कैसी लिया था? पापा प्यार करते हैं हम एक दूसरे। क्या प्यार करता, क्या प्यार करता, क्या प्यार है, प्यार है, प्यार करता तुम्हें शर्म नहीं आ रही, बेशरम। पापा अभी तक तो आपको ये बहुत अच्छी लग रही थी। अरे मुसलमानी तो है, संस्कारी लग रही थी। संस्कार क्या, संस्कार क्या, मुसलमानी लड़के थे। तो अब आपको पता लग गया मुसलमानी, तो इसके सारे संस्कार खत्म हो गए। संस्कार खत्म हो गए इसके, कोई मुसलमान शादी, मैं शादी को नहीं मानूंगा, कोई शादी वादी नहीं मानी जाएगी तुम्हारी। अरे बेशरम बेलिहाज, हम जने उधारी पंडित हैं, तुमने हमारा ईमान भ्रष्ट कर दिया, एक हम मुसलमान के घर का पानी भी नहीं पीते, तुमने इसके हाथ का मुझे पानी पिलवा कर हमारा ईमान भ्रष्ट कर दिया। पापा ये जात धर्म वाली कैसी छोटी छोटी बातें कर रहे हो आप तो इतने बड़े पंडित हो, गीता रामायण सब पढ़ते रहते हो, भगवान रामचंद्र जी ने भी तो सबरी के हाथ के बेर खाए थे, वो भी झूठे, जब उन्होंने भगवान होने के बावजूद भी कभी जात धर्म का कोई भेदभाव नहीं किया, तो फिर हम इंसान क्यों जात धर्म के भेदभाव में उलझ रहे हैं? अरे उन्होंने सबरी के बेर खाए थे, वे मीट मांस मच्छी तो नहीं खाते, ये लोग तो मीट मच्छी सब कुछ खाते हैं, हम गौ माता को पूछते हैं लेकिन इनका तो कुछ कह नहीं सकते, भगवान तोबा तोबा ये क्या करते हैं। आज के टाइम पे कौन जात धर्म वाला मीट मच्छी नहीं खाता, सब लोग खाते हैं, तो क्या आपने सब लोगों से अपनी रिश्तेदारी बिरादरी खत्म कर ली? नहीं ना, और यही बात है ना, तो इसको जो करना होगा ये बाहर खा लेगी बस। अरे बाहर खाएगी तो घर में तो आके मरेगी, हमारे भगवान को छुएगी, हमारा ईमान भ्रष्ट करेगी, हमारा इनका मिलता ही क्या है। अरे आप दोनों प्लीज लड़िए मत पापा जी, ना मैं बाहर खाऊंगी ना मैं घर में खाऊंगी, मैं इनके लिए सब छोड़ दूंगी पापा जी। क्या क्या छोड़ दोगे, हमारा मिलता ही क्या है, हम ऐसे पूछते हैं तुम ऐसे हाथ फैलाते हो, हम सूर्य को पूछते हैं तुम चंद्रमा को पूछते हो, क्या तुम इसके लिए अपना रीति रिवाज अपना धर्म छोड़ दोगे? जी पापा जी, मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं इनके लिए सब रीति रिवाज सब छोड़ दूंगी, मैं इनके लिए अपना धर्म परिवर्तन सब कर लूंगी। क्यों कर लोगे आप अपना धर्म परिवर्तन? मैं मानता हूँ आप मेरे से प्यार करते हो और बहुत प्यार करते हो, लेकिन ये जरूरी तो नहीं है, लेकिन जब दो लोग प्यार करते हैं तो उनको एक साथ जीने के लिए जरूरी तो नहीं कि अपना धर्म परिवर्तन करना पड़े, हम अपने अपने धर्म के साथ भी तो इस रिश्ते को मुकम्मल कर सकते हैं, तो फिर हमारे भी। और हाँ, मैंने आपसे प्यार किया था, आपके धर्म से नहीं, आपने भी मेरे से प्यार किया ना कि मेरे धर्म से, तो फिर आज हमारे रिश्ते में धर्म की दीवार क्यों? अब दीवार होगी तेरे हमारे बीच में इस मुसलमान के कारण, अब तू अपनी भाषा नहीं बोले, इस मुसलमान की भाषा बोल रहा, जा तू यहाँ से निकल जा, चल भाग जा यहाँ से, निकल यहाँ से, अरे ले जा इस मुसलमान को भी पाकिस्तान, ले जा इस मुसलमान को पाकिस्तान, अरे इनका जैसा बनता आतंकवादी जा। पापा जी यहाँ क्या करने आए हो, क्यों आए हो? पापा जी आप प्लीज परेशान ना हो, और
देखिए मुझे आपको ऐसे परेशान करने का कोई मतलब नहीं था, ना मैं आप बाप बेटों में कुछ ऐसे करना चाहती थी, और मुझे खुद बहुत दुख हो रहा है आप ऐसे बैठे हैं, और मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना चाहती हूँ। और देखिए पापा जी, मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, और ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप दोनों के रिश्ते में दरार आए या इस घर में कुछ प्रॉब्लम आए, तो मैं खुद आप दोनों की लाइफ, इनकी लाइफ से चली जाऊंगी। आप प्लीज़ ऐसे मत रहिए, और वो भी प्लीज़ आप पापा को संभालो, मैं जाती हूँ अंकल, प्लीज़ आई एम सॉरी, प्लीज़ बस आशीर्वाद दे दो। जी जी अंकल, बेटा इधर सुनो, बैठो बेटा, थोड़ा बैठ, भूपी आप ही बैठ, बेटा तुम भी बैठ जाओ। देखो बेटा, ऐसा होता है कि समाज तो हमको ये इजाज़त नहीं देता कि हम तुमको अपना लें, लेकिन हम अपने बेटे को भी नहीं खो सकते, वह हम इससे बहुत प्यार करते हैं कि हमारे एक ही बेटा है, इसको नहीं छोड़ सकते हम, और ये तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता, तो इसलिए ये है कि बेटा तुम दोनों खुद, समाज तो इजाज़त नहीं देता कि तुम लोगों को हम अपना लें, मुस्लिम लड़की को अपना लें, फिर भी हम समाज को हिसाब छोड़ते हुए देख के कि बेटा फिर भी तुम्हारे प्यार के खातिर हम अपने बच्चे को नहीं छोड़ सकते, इसलिए कि हम ये चाहते हैं कि तुम फिर दोनों खुशी खुशी रहो, हमारा क्या, हमारा तो थोड़े दिन की ज़िंदगी अपने चल बसेंगे, पर तुम दोनों का प्यार बना रहना चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया पापा आपका। बेटा एक ऐसा है कि चलो जो अपने शादी कर ली सो कर ली, लेकिन एक रीति रिवाज से हम अपने रिश्तेदार से परिवार के से खातिर परिवार सबको मिला के सामने करके एक शादी तुम्हारी हम सबके सामने करा देते हैं समाज के हिसाब से, क्योंकि कोई ये ना कह दे भाई शादी इनकी नहीं हुई, वैसी आगे साथ में चल के भक्का आए जैसे भी आए, लेकिन तुम्हारी शादी हम अपनी मर्जी से एक बार कराना चाहते हैं कि समाज के सामने। वो पापा जी आपको कुछ बताना है। बोलो बेटा। वो भी बताओ यार। आप बताओ ना। देखिए पापा जी, ये आपसे बहुत प्यार करता है और आपकी बहुत इज्जत करता है, और आपकी इज्जत मेरी इज्जत, और हमने कुछ शादी वादी कुछ नहीं की है, ये सिर्फ एक मजाक था जो इसने करने के लिए बोला था। अरे नालायक, तुझे शर्मिया सी मजाक करते हुए हैं? अरे तुम पहले भी नहीं बताया मुझे ऐसी बात थी। पापा एक बात बताओ, मैं आपका दिल दुखाऊंगा। अरे नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं, मैंने तुमसे पहली बार तुम पे हाथ उठाया, मैंने कभी भी नहीं सोचा कि मैं अपने बच्चे पे हाथ उठाऊं। मारा बहुत। चलो बेटा बेटा कोई बात नहीं, गलती होगी, चलो कोई बात नहीं, पर तुमने गलती से थारे से हुआ था, मैं आपकी इज्जत खराब कर दूंगा समाज में। ना 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 बेटा, बहुत अच्छी बात करनी भी नहीं चाहिए, माँ बाप की इज्जत मेरा है भी क्या। अरे बेटा बस, तो हम भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं बेटा, कोई बात नहीं, अब जो हो गया सो हो गया बेटा, सॉरी जो गलती हमसे हो गई उसके लिए सॉरी बेटा, मैंने आपको या आपकी जाति को कुछ गलत बोला हो तो उसके लिए आई एम सॉरी। अच्छा पापा जी, बस एक छोटी सी आखिरी बात तो रह गई है। अब क्या रहेगी बेटा, बोलो क्या बात रहेगी अब? ये आप बताओ, बताओ आप बोलो ना प्लीज। यार आप ही बोल दो अपनी कुटना। पापा जी ना तो हमने शादी की है, और जिससे ये प्यार करता है, और जिससे प्यार करता है मुस्लिम लड़की है, और उसका नाम निशा ही है, पर वो लड़की मैं नहीं हूँ। बेटे ये क्या मजाक है, ये क्या मजाक है, ऐसे मजाक होता है कोई? सॉरी पापा जी है? पापा जी एक्चुअली ये आपकी बहुत इज्जत करता है और आपसे बहुत प्यार करता है, पर ये बहुत परेशान है, ना तो ये निशा को छोड़ सकता है और ना ये आपके खिलाफ जा सकता है, तो इसीलिए मैं कोई निशा विशा नहीं हूँ, मैं तो एक प्रैंकस्टर हूँ, मैं प्रैंक करती हूँ, और ये मेरे पास आया था कि इसके साथ साथ ऐसी ये प्रॉब्लम चल रही है, और पापा को मनाना चाहता था, तो पापा का पता नहीं कैसा रिएक्शन हो, असलियत में क्या कर बैठे, तो इसलिए इसने मुझसे नाटक करने के लिए बोला, हाथ जोड़ के सॉरी अंकल जी, और मैं तो एक प्रैंकस्टर हूँ, प्रैंक बनाती हूँ। देखिए उधर हमने कैमरा लगाया, अंकल उधर नहीं, उधर 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 उधर, अरे अरे अंकल जी इधर इधर, वो दिख रहा है वो जो जैकेट में है जी। बच्चे ऐसे होते हैं, एक मजाक होता है इस चीज का कोई, तुम पहले ही बोलना चाहिए था। अच्छा पापा जी सॉरी, निशाद अंजुम फातिमा है, और बहुत अच्छी लड़की है, अगर आपको मैं संस्कारी और अच्छी लगी हूँ
तो 1% भी मेरे में इतने गुण नहीं होंगे जितनी संस्कारी वो लड़की है, और आपको बहुत खुश रखेगी, आपके बेटे को भी और इस पूरे परिवार को। और मैं हाथ जोड़ के बस आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये दोनों बहुत प्यार करते हैं, आपकी बहुत इज्जत करते हैं, तो प्लीज इनका रिश्ता अपना लेना प्लीज। चलो बेटा तुम कह रहे हो तो हम इनको मंजूर दे देते हैं। थैंक यू सो मच। ऐसी खुशी रहो जी, और मुझे आशीर्वाद दे दीजिए, मेरे प्रैंक्स और वीडियो ऐसी चलती रहे। बेटा सदा सुखी रहो, सदा जीते रहो जी। थैंक यू। तो क्या हुआ अगर मैं हूँ हिंदू और मैं हूँ मुसलमान, ला मैं पढ़ लूँ तेरी गीता, ला मैं पढ़ लूँ तेरी कुरान, आएंगे त्योहार तो होली पे मैं आपको प्यार से रंग लगाऊंगी, ईद आएगी तो अपने हाथ से प्यार से मैं तुझे सेवइयां खिलाऊंगा। क्या है मोहब्बत का कोई धर्म नहीं होता, मोहब्बत खुद ही एक धर्म है, दुनिया का हर धर्म सिखाता है मोहब्बत करना, मोहब्बत जात धर्म देख के नहीं होता, ये तो बस हो जाता है।